नमस्कार दोस्तों, ई खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त रोस्ट दामोदर सिंह राजेवा। दोस्तों, बड़ा आसान होता है किसी स्टूडियो में बैठकर पत्रकारिता करना, फील्ड में रिपोर्टिंग करना थोड़ा कठिन माना जाता है। और ख़ास तौर से जो स्टिंगर्स होते हैं, देहात से पत्रकारिता करते हैं, छोटी छोटी जगह से पत्रकारिता करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं होता, डिग्री नहीं होती, साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं। ऐसी कंडीशन में उनको पत्रकारिता भी करनी है, सामाजिक जिम्मेदारी भी निभानी है, तो उसके साथ साथ प्रेस आईडी कार्ड उनको नहीं मिलता है। सवाल बिल्कुल लाजमी है, कई ऐसे पत्रकार हैं जो आपको लगता होगा कि समाज में बड़ी रेपुटेशन रखते हैं, लेकिन उनके संस्थान, उनके इंस्टीट्यूशन वैलिड लीगल प्रेस आईडी कार्ड उनको आधिकारिक रूप से नहीं देते। DPRO लेटर है, अथॉरिटी लेटर है, ये सब जारी नहीं करते। ऐसी कंडीशन में ई खबर डिजिटल मीडिया उन पत्रकारों को वैलिड तरीके से लीगल प्रेस आईडी कार्ड मुहैया कराती है जो इस समस्या से, इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता करना और पत्रकारिता के साथ उसका लीगल अधिकार प्राप्त करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए चाहे आप फ्रीलांसर हो, कैमरामैन हो, वीडियो जर्नलिस्ट हो या रिपोर्टर के रूप में काम कर रहे हो, आप निश्चित ही ई खबर के साथ जुड़ सकते हैं। आप किसी भी संस्थान से जुड़ जाएं, लेकिन ई खबर के साथ जुड़ेंगे तो आपको ऑथोराइज लीगल वैलिड प्रेस आईडी कार्ड प्राप्त होगा, जिसका नॉमिनल फीस 1000 रुपये है और ये हर साल रिन्यूअल होता है। साथ ही साथ जो रेगुलर फुल टाइम पत्रकार हैं, रिपोर्टर हैं, उनको DPRO लेटर देना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। इसलिए आप देश और दुनिया के किसी भी कोने में हैं, पत्रकार बनकर काम करना चाहते हैं, ई खबर से जुड़ना चाहते हैं, तो आज ही गूगल पर जाएं, सर्च करें ई खबर प्रेस आईडी कार्ड या www.ekhabar.in। आपको step 1, step 2, step 3 में पूरी जानकारी दी गई है, पढ़ लें। डॉक्यूमेंट्स अपने मोबाइल से या लैपटॉप डेस्कटॉप से सबमिट कर दें और आपको 2 से 3 दिन में आपका पत्रकार का कार्ड डिलीवर हो जाएगा ईमेल के द्वारा। उसके बाद आप उसे प्रिंट आउट लें और फील्ड में रिपोर्टिंग करने के लिए जा सकते हैं। देखते रहें ई खबर .in। जय हिंद, वंदे मातरम।